आज हिंदू जागरण मंच की पत्रकार वार्ता में विभाग अध्यक्ष केशव शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में देश के चतुर्थ स्तंभ हमारे पत्रकार श्रेणी के बंधु भगिनी ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना समाज को सत्यता से अवगत कराने का प्रयास किया है। हिंदू जागरण मंच आपको नमन करता है, आपका आभार व्यक्त करता है। केशव शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा धर्म स्वतंत्र अधिनियम लव जिहाद कानून लाया गया है। यह हिंदू बहन बेटियों की रक्षा व सुरक्षा के लिए ठोस दंडात्मक कानून है। विगत लंबे समय से हिंदू जागरण मंच इस कानून की मांग करता रहा है। बल्लभगढ़ में बहन निकिता तोमर की हत्या के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाने के लिए थाना इकाई व जिला केंद्रों पर हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन दिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सुझाव भी दिए। उन्होंने संगठन के सुझावों को स्वीकार करते हुए धर्म स्वतंत्र अधिनियम पारित किया। इसके लिए हिंदू जागरण मंच मध्य प्रदेश शासन का आभार व्यक्त करता है। हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष केशव शर्मा ने बताया कि विगत 15 जनवरी को अमेजन प्राइम पर एक तांडव वेब सीरीज रिलीज हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे देखने पर मन बहुत स्तब्ध हुआ। इस फिल्म में भगवान भोलेनाथ जी, जन जन के आराध्य भगवान श्री राम, पत्रकार बंधुओं के आदर्श महर्षि नारद जी सहित हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का दुस्साहस किया गया है। इस पर हिंदू जागरण मंच ने कैंट थाने में भारतीय दंड संहिता IPC व IT एक्ट के तहत 8 धाराओं में 9 आरोपियों पर प्रकरण पंजीबद्ध कराया। केशव शर्मा ने बताया कि गुना शहर के बीचों बीच स्थित बोहरा कॉम्प्लेक्स को अवैध घोषित करने पर हम शासन का धन्यवाद प्रकट करते हैं। केशव शर्मा ने कहा, हमें किसी जाति धर्म व व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध केवल अनीति, अधर्म और अन्याय से। हमारा प्रशासन से आग्रह है, अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। इस प्रेस वार्ता रखने का उद्देश्य COVID-19 में हमारे भारत के चतुर्थ स्तंभ पत्रकार बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके सत्यता को समाज के सामने पहुंचाने का कार्य किया है। दूसरा विषय तांडव वेब सीरीज के खिलाफ में हिंदू धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने बाबत गुनाह के कार्यकर्ताओं ने कैंट थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। इसमें भारतीय दंड संहिता IPC व IT एक्ट के तहत 8 मुख्य धाराओं में 9 आरोपियों पर नामजद प्रकरण हुआ है। हम विगत समय लव जिहाद कानून जो मध्य प्रदेश शासन ने पास किया है, इस धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का हम बंधन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुनाह में शहर के बीचों बीच जो भौरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए लगभग 10 माह से हिंदू जागरण मंच से अवैध बताने का प्रयास कार्य रूप से पूरा प्रशासन कर रहा है। हमने विगत पत्रकार वार्ता में इसको अवैध बताया है। हम प्रशासन का धन्यवाद प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस भौरा कॉम्प्लेक्स को अवैध घोषित किया। इस समय जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण चल रहा है। हम आपके माध्यम से जन समाज से आग्रह करते हैं कि इस भव्य राम मंदिर में अपना गिलहरी रूपी योगदान अवश्य दें। धन्यवाद।